पेज नंबर 161 पर एग्जांपल नंबर 14 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो भी हमको फंक्शन दे रखा होता है उनको उसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू बतानी होती है। तो यहाँ पर इसमें पेज नंबर 161 पर जो एग्जांपल नंबर 14 है वहां से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकती है, और मिनिमम का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू मिनिमम कम से कम कहां तक नीचे जा सकती है। तो ऊपर कितनी ज्यादा जा सकती है वैल्यू और नीचे कितनी आ सकती है, ये है मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 14 में, जैसे एग्जांपल नंबर 14 में दिया है ये, एक मिनट वेट करिए प्लीज। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो यहां पर हम किसी भी तरीके का कोई मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहां पर ये देखिएगा कि जैसे एफएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास ना दो तरीके के मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है वो कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक मेथड होता है उसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप ये देखो कि अभी यहाँ पर मैं ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख रहा हूँ ना सेकंड डेरिवेटिव। अभी हम सिर्फ अपने कॉमन सेंस से इसको देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एज वी नो दैट as we know that the square of any number can't be negative, so minimum value of x square is 0। तो x square की मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जो है वो होगी 0, ठीक है। एंड देयर इज नो लिमिट अप टू विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द square of a real number can go, ठीक है। तो x square की maximum value कितनी हो सकती है उसकी कोई limit ही नहीं है, क्योंकि positive number, अगर आप positive real number लेते चले जाओ तो आप कितना भी आगे तक जा सकते हैं, तो उसकी कोई maximum value की कोई limit नहीं होगी। वो चलता जाएगा, वो maximum एक वैल्यू सबसे बड़ी लगेगी तो पता चला दूसरी वैल्यू उससे भी बड़ी है, और कोई वैल्यू उससे बड़ी लगेगी पता चला अगली वैल्यू उससे भी बड़ी है। तो मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, जबकि मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें पता है कि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। और हम ये लिखेंगे सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is 0 and there is no maximum value of this function, no maximum value of fx।
बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। 15 में है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स बिलोंगिंग टू आर। मेरे को दे रखा है fx is equal to mod x, x belonging to R। x belonging to R। तो अब क्या होगा, fx is equal to mod x, mod x को जब हम डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x when x is less than 0 and plus x when x is greater than equal to 0, minus x when x is less than 0 and plus x when x is greater than equal to 0। ठीक, अब देखिएगा माइनस एक्स वन एक्स इज लेस देन जीरो प्लस एक्स वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी ना मैं क्या देख रहा हूँ कि जब हम मॉड एक्स की बात करते हैं, जब हम मॉड एक्स की बात करते हैं तो एक्स जब लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ऑफ दैट नेगेटिव वैल्यू। तो आउटपुट जो निकल कर आएगा वो तो पॉजिटिव ही निकल कर आएगा ना, वो तो नेगेटिव नहीं आ सकता। और जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, देखिए अगर आपको नहीं मालूम है मॉड x की डेफिनेशन ठीक से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि माइनस x और प्लस x इन दोनों का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो मॉड x जो होता है ना, मॉड x की वैल्यू माइनस x है व्हेन x इज लेस देन जीरो, व्हेन x इज लेस देन जीरो तब मॉड x को हम माइनस x के बराबर बोलते हैं। तो x इज लेस देन जीरो का मतलब क्या है, x की वैल्यू मान लीजिए माइनस 3 है, x की वैल्यू मान लीजिए माइनस 2.1 है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू माइनस 3 है तो माइनस 3 का मॉड क्या हो जाएगा, मतलब आपने अब x की जगह माइनस 3 रख दिया, तो रिजल्ट क्या है, माइनस ऑफ माइनस 3, माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि रिजल्ट क्या आ गया, प्लस 3 आ गया, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आया, ठीक है। अच्छा अगर माइनस 2.1 है इसका मॉड निकाल रहे तो x की जगह क्या है, माइनस यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू का मॉड क्या होता है, माइनस ऑफ x यानी कि माइनस ऑफ माइनस 2.1, तो ये आपको 2.1 ही देगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इससे ये मेरे को समझ में आता है कि जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स का आउटपुट मेरे को हमेशा पॉजिटिव ही मिलना है, नेगेटिव कभी मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा फिर क्या करेंगे हम, ये कहेंगे सिंस मॉड एक्स ऑलवेज mod x always yields a positive value, mod x always yields a positive value, mod x हमेशा हमको एक positive value ही देता है ना, therefore mod x always yields a positive value, therefore the minimum value of mod x, the minimum value of mod x is 0, ठीक है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, वो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x इज 0 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod x, एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod x। बता दीजिए सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है ये हुआ हमारे पास। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 60, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, ठीक है। अब देखिएगा
fx is equal to x where x belongs to 0, comma 1. fx is equal to x where x belongs to 0, comma 1. ये हमको दे रखा है. अब वो बोल रहे हैं find the maximum and the minimum values if any of the function given by this. कोई मैक्सिमम वैल्यू हो कोई मिनिमम वैल्यू हो तो वो निकाल कर बताइए. अच्छा जी, तो ये हमको दे रखा है. और ये बताइए क्या इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? ये कहेंगे वन कैन से द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज वो जीरो से वन के बीच में है. जीरो नहीं है, जीरो से वन के बीच में. अगर जीरो होता तो वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहता, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है. तो एक बोलेगा वन कैन से दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 0.1. ठीक है, कि जीरो के बाद सीधा 0.1 ही आएगा, है ना. तो एक ने बोला कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है. एंड अनदर वन कुड से दैट द मिनिमम वैल्यू इज 0.1 एंड अनदर वन says that it is 0.001. so there is no minimum value of fx. fx ki koi minimum value nahi, there is no minimum value of fx. similarly there is no maximum value. Similarly, there is no maximum value of fx. उसी तरीके से fx की कोई maximum value भी नहीं होगी, क्योंकि एक बंदा बोलेगा कि maximum value उसकी 0.9 है, अगला बोलेगा नहीं नहीं 0.99 है, अगला बोलेगा नहीं 0.999 है. तो वो जो मैक्सिमम वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यू भी उस वो भी कोई फिक्स नहीं है. अच्छा, यहीं पर अगर मान लीजिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते तब मैं ये कह देता कि उसकी जो, क्योंकि एफ एक्स जो है वो एक्स के ही इक्वल है. जो आप एक्स लेंगे वही एफ एक्स की वैल्यू है. तो इसका मतलब क्या है कि उसमें फिर हम ये कह देते कि हाँ भाई मिनिमम वैल्यू उसकी जीरो है. अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि उसमें जीरो भी इंक्लूडेड है. अगर मान लीजिए ये ऐसे होता x belonging to square bracket अगर 0, square bracket 1, तो मैं ये कहता हूँ कि minimum value 0 है और maximum value जो है वो 1 है. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इस वाले में 0 और 1 included नहीं होता. तो 0 और 1 के बीच वाली सारी values included है, 0 और 1 नहीं है included. तो इसलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि there is no maximum value and there is no minimum value. बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes sir. ठीक है, चलिए जी. उसके बाद सर वैसे x tends to 0 प्लस ऐसे नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, उसमें मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है तो वो फिक्स मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए. अगर वो फिक्स वैल्यू नहीं है तो फिर हम ये सीधा सीधा बोलेंगे कि कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं इसका. ओके सर. ठीक है, चलिए जी. उसके बाद लिखेंगे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट maxima
to find out the point of maxima or minima. We use first derivative test. We use first derivative test. Which can be explained as first likhiyega if f dash x if f dash x changes its sign from positive to negative while crossing a critical point. Then small c is a point of local maxima. Second, if f dash x changes its sign from negative to positive while crossing a critical point C, then C is a point of local minima. If there is no sign change of f dash x while crossing a critical point, then C is a point of inflection. Then C is a point of inflection. INFLEXION, inflection. अब समझाता हूँ ये सारी चीज़ें हैं क्या. देखिएगा, हम ना एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो काम नहीं करता, तो मोस्टली हम वैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं. लेकिन किसी किसी जगह पर ऐसा हो जाता है जहाँ सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट फेल होता है, वहाँ पर फर्स्ट डेरीवेटिव टेस्ट काम आ जाता है. तो करने दोनों ही टेस्ट हैं. देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर. कोई आप ये देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 17 है. एग्जाम्पल 17, तो 17th एग्जाम्पल में है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू
x³ - 3x + 3 x³ - 3x + 3 हम क्या करेंगे यहाँ पर f'(x) निकालेंगे f'(x) समझ गए 3x²-3 हो गया बताइए यस सर ठीक है f'(x) की वैल्यू हो गई 3x²-3 अब मैंने एक शब्द यूज करा है यहाँ पर इनमें क्रिटिकल पॉइंट ठीक है क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है f'(x) को 0 के बराबर रख दीजिए क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा पुट f'(x) = 0 जैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते टाइम में क्या करना होता था हमें f'(x) को 0 के बराबर रखना होता था जब हम इंटरवल्स निकालते थे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में तो हम f'(x) को 0 के बराबर रखते थे तो उससे हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता था तो मैंने लिख दिया f'(x) = 0 ये हो गया 3x²-3 = 0 माइनस 3 को उधर ले जाओ 3x² = 3 3 × 3 x² की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई तो x की क्या वैल्यू आ गई जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस होता देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स एक क्रिटिकल पॉइंट -1 है एक +1 है अब यहां पर एक नंबर लाइन बना लीजिए इधर लिखना -∞ इधर लिखना +∞ इधर लिखना -1 इधर लिखना +1 तो ये हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं अब आपको क्या करना है -1 से कंपर वैल्यू देखनी है f'(x) की कितनी वैल्यू आ रही है तो कोई भी वैल्यू ले लो -1 से कम कुछ भी -2 ले लीजिए तो भाई f'(x) को ये था ना तो हम ये कहेंगे f'-2 ले लिया तो 3 × -2² - 3 -2² = 4 4³ = 12 - 3 = 9 +9 तो पॉजिटिव वैल्यू है फिर क्या करो -1 और 1 के बीच की वैल्यू ले लो तो 0 ले लिया f'(0) = 3 × 0² - 3 ठीक है तो रिजल्ट इज -3 व्हिच इज अ नेगेटिव वैल्यू तो ये नेगेटिव हो गया फिर 1 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए तो f'(2) क्या हो गया 3 × 2² - 3 तो 2² = 4 4² - 3 = 9 तो ये प्लस वैल्यू आ गई तो हमने ये कहा कि व्हाइल क्रॉसिंग अ क्रिटिकल पॉइंट इफ f'(x) चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन The critical point C is a point of local maximum. तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि साइन f'(x) का कैसे चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है तो ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट हो गया तो हम ये कहेंगे by first derivative test बस वो पूरी एक कहानी नहीं समझानी आपको बस ये लिख देना है by first derivative test यहाँ पर साइन कैसे चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव तो आप ये कहेंगे -1 is the point of local maximum ठीक है और +1 is the point of local minimum बताइए जी क्लियर है कि नहीं यस सर ठीक है ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट्स वो होते हैं कि अगर इस वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में डाला जाए तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे लिए तो हम ये कहेंगे कि दो चीज़ें होती हैं या तो मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है मैक्सिमा क्या है मिनिमा क्या है ना तो हम ये कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इसका मतलब ये है लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है तो -1 उठाकर यहाँ डाल दो -1 की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में f'(x) में नहीं ओरिजिनल फंक्शन में f(x) में डाल दीजिए तो -1 डाल दिया हमने तो -1 का क्यूब क्या हो गया -1 -3 × -1 = +3 3 + 3 = 6 तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई और कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी हम ये कहेंगे कि अगर इस फंक्शन की हमको कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इससे बड़ी और कोई वैल्यू नहीं आएगी ठीक है और उसी वैल्यू को हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं मैं खैर कल की क्लास में कराऊंगा ये डिटेल में आपको ऐसे जैसे ये लोकल मिनिमा है तो x की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो हमारे पास इसकी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1 डाल दिया 1 का क्यूब इधर 1 डाल दिया तो 1 -3 1 -3 = -2 और 3 -2 =
प्लस का वन, तो प्लस का वन इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। अभी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि नहीं मैं तो कोई और वैल्यू डालूंगा, कोई और वैल्यू डाल कर देखूंगा, बड़ी से बड़ी वैल्यू डाल कर देखूंगा, वो हमारा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, डाल कर देखो। समझ रहे? तो मैं आपको इस चीज़ को और डिटेल में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस में एक्सेप्शन भी आएंगे कि हम कोई और वैल्यू डालेंगे तो वो वैल्यू और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसीलिए उन एक्सेप्शंस को अलग हटाते हुए हम उस वैल्यू को ये बोल देते हैं कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू है। मतलब लोकली मतलब जो हमने अभी जो कुछ पॉइंट्स निकाले हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके आसपास इससे बड़ी वैल्यू नज़र नहीं आती और इससे छोटी वैल्यू नज़र नहीं आती। तो फिलहाल के लिए बस यहीं तक करके छोड़िए, बाकी डिटेल में मैं कल इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे, ठीक है? ओके सर, यहाँ तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है इतना, ये तरीका क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं भाई, ध्रुव, शिक्षा, इशिका? यस सर। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं शाम को अपने टाइम पर। गुड नाइट सर। चलिए जी, गुड नाइट।